हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें थोड़ा सीयूटी से रिलेटेड अपडेट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब सीयूटी में आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर 80+ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी वो उसमें एनरोल थी। मतलब अगर आपको वहां पर एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन सीयूटी, जैसा कि आपने देखा कि पिछले साल भी काफी मतलब ऐसा एग्जाम था जो कि बहुत जल्दी इंडिया का नंबर वन एग्जाम बनने वाला है, जैसे जेई और नीट का एग्जाम होता है, तो उसी लेवल का ये एग्जाम बनने वाला है। इवन मैं कहूँ तो उससे भी बड़ा एग्जाम बनने वाला है। तो अब उसी चीज को देखते हुए जो और भी यूनिवर्सिटीज हैं वो इसके अंदर सीयूटी के अंदर आ चुकी हैं, और इस साल अभी तक लगभग 213 यूनिवर्सिटीज जो है वो इसके अंदर इनरोल हो चुकी है। मतलब उन 213 यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है, उनके कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो आपको सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उसकी लिस्ट भी मैं आपको बताता हूँ, कैसे आपको चेक करनी है अभी कि जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी है, वहां पर अगर आपको जाना है तो पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि वहां पर जो एडमिशन मिलेगा और किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा वो सारा का सारा आपको वहां पर पता चल पाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, हालांकि ये पुराना अपडेट हो गया, लेटेस्ट नहीं है, कि इसकी जो डेट है सीयूटी में अप्लाई करने की वो डेट एक्सटेंड हो चुकी है 30 मार्च तक, ठीक है। ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है, तो 30 मार्च तक आप इसको देख सकते हो। अब 30 मार्च तक मतलब आप इसमें फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। जिन्होंने ऑलरेडी अपना फॉर्म फिल कर दिया है वो इसमें, और अगर चाहते हैं कि उसमें कुछ और ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 मार्च 2023 अप टू 9:50 PM, टाइम का ध्यान रखना। तो 30 मार्च 9:50 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। फीस जो है उसकी लास्ट डेट है उसी दिन 30 मार्च को 11:50 11:50 तक। करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने उसके अंदर फॉर्म भर रखे होंगे, अगर मिस्टेक हो गई है बाय चांस, तो उसके लिए करेक्ट करने के लिए आपको विंडो मिलेगी 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक। और अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन होगा 30 अप्रैल। तो ये जो रिवाइज शेड्यूल है वो शेड्यूल आपके पास आ गया। साथ साथ यहाँ मेंशन किया हुआ है कि दोस कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली आर आल्सो एलिजिबल टू चूज मोर सब्जेक्ट टेस्ट और कोर्सेज और प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और ऑटोनोमस कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप उसमें अभी चेंजेस कर सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड 10 सब्जेक्ट और टेस्ट कैन आल्सो रिप्लेस रिमूव देयर अर्लियर चोजन सब्जेक्ट और टेस्ट। अगर आपने ऑलरेडी अपने 10 सब्जेक्ट्स में फिल कर दिए, क्योंकि मैक्सिमम 10 की उसमें लिमिट थी, अगर आपने 10 फिल कर दिए तो भी आप वहां पर जाके अगर आप किसी को रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर सकते हो, रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस भी कर सकते हो। हाउएवर एडिशनल फी इफ एप्लीकेबल फॉर सिलेक्टिंग मोर सब्जेक्ट टेस्ट विल बी पेड बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट मे नोट दैट फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। मतलब अगर आपने मान लो पहले 6 कोर्स चूज कर रखे होंगे, अगर आप कोर्स 7 कर दोगे तो आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी उसकी एक्स्ट्रा 7 सब्जेक्ट। हाँ, अगर आप 6 आपने चूज करें, 6 ही आप दोबारा करते हो, मतलब थोड़ा चेंजेस करके 6 ही रखते हो, तो आपको फीस कोई पे नहीं करनी उसकी एक्स्ट्रा। मतलब कुछ एक्स्ट्रा अगर आप ऐड करोगे तो ही फीस पे करनी है एक्स्ट्रा, अदरवाइज नहीं करनी। अब बात रही यूनिवर्सिटीज की, तो उस पर हम देखेंगे भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर है। थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, आपको यूजी cutsamarth.ac.in इसी साइट पर आना है, यहीं पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे रिगार्डिंग। बाकी इधर उधर कोई आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आओ, यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करो, और यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे कि आपके सामने पूरी जो लिस्ट है वो सारी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको उसके लिए देखना है, यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली सर्च करो कि मान लो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखते हो तो आपको उससे पता चल जाएगा। या फिर आप देखना चाहते हो कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटीज टाइप करना है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे जाते हो, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट ऑलरेडी है हमारे पास, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये इनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। उसके अलावा अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हो तो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ इनरोल्ड है वो सारी की सारी आपको दिखाई दे जाएगी। ये देखिए, ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज आ गई, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, भट्टदेव यूनिवर्सिटी, यानी ये सारी की सारी आपको देखो यहाँ भी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज की कौन कौन से सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेने वाली है इस साल। इसी तरीके से आप डीम यूनिवर्सिटी पे जाओगे तो डीम यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो भी ये इस बार सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रही है, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे चलते हैं, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसमें कौन कौन सी आ चुकी है, देखिए कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। अब इसमें से आप कोई
कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो नीचे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, हम ऊपर पहुंच गए, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई आपके पास। उसके अलावा आप नीचे जाओगे तो हमारे पास एक ऑप्शन और था वहां पर, एक ऑप्शन हमारे पास और था अभी, अदर यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो यहाँ पर ये तीन यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आप और दे रखी है, तो टोटल मिलाकर 230 यूनिवर्सिटी अभी तक है। और ये धीरे धीरे हो सकता है कि आप जब तक फॉर्म भरो तब तक इसमें एक दो और ऐड होती जाए। तो जो यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उसको आपको यहाँ पर देखिए कि वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर है या नहीं है, और उसके हिसाब से फिर डिसाइड कीजिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कोर्स में जाना है, वो सारा सिलेक्शन आप ढंग से कीजिए। तो इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है सीयूटी के रिगार्डिंग वो आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर।